Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great. So guys, हमारे साथ यहाँ पे है देसी छोरा दिल्ली का अभिषेक, जो कि अपनी जुपिटर में 500 रुपए का तेल टैंकी फुल कराते थे। गाइस, आप सबका बहुत प्यार मिला उस वीडियो के ऊपर, ऑलमोस्ट 30,000 व्यूज तो हो गए हैं। मजा आ गया। एंड भाई ने अभी अभी एक नई स्कूटी खरीदी है, जिसका थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि यार कौन सी खरीदी है। सो सबसे पहली चीज अभिषेक, क्या सोच के लिया कि यार एंटॉक लेनी चाहिए? जुपिटर चलाई चुका था, एंटॉक नया उसका वेरिएंट निकाला था, टीवीएस वालों ने, मैं तो इसको लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं कैसी गाड़ी है, लुकिंग वाइज बहुत अच्छी है, और कुछ नए नए फंक्शन भी भाई आपको बताने वाले हैं वीडियो में। क्यों उसके लिए तो अलग शूट करेंगे आज, सिर्फ और सिर्फ हम अभिषेक से पूछने वाले हैं कि भाई एंटॉक क्यों ली, क्या रीजन था, कितने की पड़ी, और एंटॉक के थोड़े शॉर्ट्स वगैरह दिखाएंगे। बहुत अच्छा है, एंड क्योंकि मेरे को इसको चला के भी देखना है, तो मैं अभी तो अपना हेलमेट कैम यूज़ नहीं कर रहा, अभी है नहीं मेरे पास, तो यार मेरा बहुत मन है क्योंकि मैंने अभी तक एंटॉक चलाई भी नहीं है। तो एक वो वीडियो भी शूट करेंगे अलग से, जिसमें प्रॉपर एक करेंगे चलाते हुए, बाकी थोड़े दिन चला लो, फिर एक ओनरशिप रिव्यू अच्छा वाला, जुपिटर वाला नहीं, अच्छा वाला, जो कि अच्छाई और सच्चाई के साथ बना होगा, उसके ऊपर बनाएंगे वीडियो तरीके से। सो अभिषेक, देख सबसे ज्यादा इस टाइम मार्केट में डिमांड बनी है एक्टिवा 5G की। सो एक्टिवा 5G दिमाग में क्यों नहीं आया कि यार एक्टिवा 5G ली जा सके? यार देखो, सच बात बताओ ना, टीवीएस में ट्रस्ट था, टीवीएस चलाता हूँ जुपिटर, तो ऐसा मैं कहीं भी निकलता था, कोई भी कभी इधर से एंटोर आ रही, कभी इधर से एंटोर आ रही, तो मैं सोचा था एंटोर आ रही, तो मेरा मन उस पर ही जा रहा था, क्योंकि एक्टिवा के लिए मैंने सोचा था। पर एक लेवल मेरे को उसके रिव्यू जो गलत मिले थे कि यार ज्यादा टाइम उसका इंजन नहीं चलता, या उसकी जो बॉडी आवाज करने लगती है। पर अगर सही महीने में देखो खरीदने वाले पे, तो सबसे ज्यादा सेल गई, अगर पूरे इंडिया में हम लगाएं तो ऑलमोस्ट 4 लाख स्कूटर आपके पिछले साल बिके थे, एंड इस साल भी अच्छी अच्छी अच्छी, जिसे कहते हैं ना, अच्छी अच्छे लेवल पे वो स्कूटर्स बिके हैं। तो उसके रिगार्ड में हमने वीडियो भी बनाई थी, एंड एंटॉक भी हमारे टॉप 5 के अंदर आ जाता है, जो कि टॉप 5 सेलिंग स्कूटर्स है। बट अगर सीधी सीधी बात बोलूँ तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अपील करता है, क्योंकि जुपिटर अगर तो चला ही रहा था, तो एक्टिवा और जुपिटर में बेसिक मेरे को इतना फर्क नहीं लगता, जो शायद लुक के अंदर फर्क आता है, है ना? ये तो चीज है, कंपनी का फर्क होता था, और कोई बात नहीं है, कंपनी का फर्क होता है। तो गाइस, सबसे पहले आप एक ना इसके थोड़े शॉर्ट्स एंजॉय करो, बाकी सॉरी फॉर द क्वालिटी, क्योंकि हाथ में है मेरे फोन और फोन से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा शेक भी हो रहा है क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ रखा है, आप ये देख सकते हो बाजू में पकड़ रखा है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे इमरजेंसी लाइट मिल रही है, कि रात को अगर आपका कुछ भी सामान वगैरह देखना है अंदर पड़ा हुआ है, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको इसमें साथ में USB पोर्ट मिल रहा है, जिसमें आप अपना वायर लगा के आराम से अपना फ़ोन जो है चार्ज करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। प्लस यहाँ पर 0.5 लीटर की बॉटल होल्डर भी है आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो आप आराम से अपनी बॉटल जो है उसको रख सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पर इसके टूल किट की बात करें, तो उसका काफ़ी अच्छी जगह उन्होंने एक स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपकी डिक्की में स्पेस नहीं ले रहा, वो इस जगह से ही सारा आपका जो टूल किट है वो कवर हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट जो आजकल सारे स्कूटर्स के अंदर आ रहा है, वो ये है कि जो फ्यूल टैंक है इसका, जो फ्यूल कैप है, वो पीछे की तरफ से है, सो ये काफ़ी सही है, क्योंकि इसमें क्या है, बंदे को उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा काम हो जाता है। तो भाई पेट्रोल भरा हुआ है इसमें 500 रुपये का पूरा टैंक फुल हो रखा है, देख सकते हो टैंक फुल है, और आ सकता है इसमें 150 का भी आ जाएगा, 150 का इसमें आ सकता है भाई।
अभिषेक, लोगों ने वॉक अराउंड शॉट देख लिए, अब बात आती है प्राइसिंग की, कि प्राइस क्या पड़ा है तुम्हें? यार वैसे देखो तो कह रहे थे ये 70,000 के आसपास की ऑन रोड की है, पर मुझे ऑलमोस्ट ले देंगे 73 की। एंड गाइस, अभिषेक ने अपनी जुपिटर जो थी जिसपे 2 लाख रुपए वो लगा चुका था, वो वाली जुपिटर जो है वो कंपनी वालों को दे दी है, तो भाई उनको 2.5-2.5 लाख रुपए का माल ना 17,000 रुपए में दे दिया तुमने। क्या करें यार भाई, 2.5 लाख रुपए वाला माल 17,000 रुपए दे दिया, जिसमें वो 500 रुपए का तेल डलाता था, टैंक फुल कराता था 500 रुपए में, जबकि स्कूटी के अंदर 350-350 से ऊपर का तेल नहीं आता। हम लोग डलवाते थे। अब इसमें कितना आता वैसे, ये अंदाजा देखा है? 5 लीटर इसमें, तो 7x35 हो गया गाइस, तो 380 कुछ रुपीस का इसके अंदर जो पूरा का पूरा है, टैंक फुल हो जाएगा। तो अगर अभिषेक से हम अब इसका रिव्यू लेंगे और अभिषेक बोलेगा तो 500 रुपए का तेल आता है तो हंसना मत, ठीक है, हम पहले ही बता रहे हैं। तो गाइस अब बात आती है इसके मीटर की, कौन कौन से इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो अभी वो भी हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि कोई ऐप है जिसके थ्रू कनेक्ट करना है, तो अभी हम वही बैठ के थोड़ा टाइम पास करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड अलग से फिर पूरी वीडियोज़ के ऊपर शूट करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं हमारी तरह जो पर्टिकुलर ऐसी वीडियो ढूंढ रहे होंगे कि यार एनटॉक में जो फीचर्स हैं वो होते कैसे हैं। बिल्कुल, तो भाई तेरे को पहले एक चीज़ होता, कंपनी वालों ने बताया क्यों नहीं कि इसमें कैसे करते हैं? कॉल आपका नंबर आ जाएगा, टेक्स्ट का आ जाएगा, इवन आपकी जो लास्ट लोकेशन है वो सब चीजें आपको इसके अंदर मिलती है। सो कैसे कैसे वो होता है वो अभी हम देखते हैं, एंड देन फिर उसके बाद एक अलग से वीडियो शूट करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हाथ शेक हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए प्लीज सॉरी, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि भाई फेमस हो सके, जिसने 500 का तेल डलाया है स्कूटी के अंदर उस भाई को फेमस करना है, और स्कूटी तो है ही अच्छी, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गुड कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉर्न क्रिएटर।